यूपी की करेंगे, उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर एकला चलो रे ये नजर आ रहा है। गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन अब दम तोड़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। सूत्रों की माने तो अब दोनों ही पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। दरअसल बीते लंबे वक्त से सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी। सूत्रों की माने तो सपा की ओर से कांग्रेस को कुल 17 सीटों का ऑफर मिला, लेकिन कांग्रेस 20 से कम सीटों पर किसी भी हाल में बात करने के लिए तैयार नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। सपा अब तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने 31 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की सीट वाराणसी में भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह पटेल को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद दोनों पार्टियों के साथ आने की सारी उम्मीदें अब लगभग खत्म हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में एकला चलो रे चलेगा, सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दरअसल बात नहीं बन पाई है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ संवाददाता टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएन जी, आपसे समझना चाहेंगे इस मुद्दे को विस्तार के साथ। लाख कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार बात नहीं बन पाई और अब उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग सीटों पर ही, यानी सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। हाँ, एकदम जो है यूपी में गठबंधन में दरार जो पड़ रही है कि लगातार जो सीटों के बंटवारे को लेकर के आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, तो इसके बाद जो है दरार पड़ी है। और कल जब राहुल गांधी लखनऊ में थे तब भी इसमें साथ नहीं हुए, कांग्रेसी भी असमंजस में थे कि क्या होगा। अब इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी उतारती जा रही है, जो सीटें दे रही है कांग्रेस को वो कांग्रेस के बिना जो विचार विमर्श दे रही है। तो 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी शिकस्त देने के लिए जो विपक्षी गठबंधन बन रहा था, तो इसको झटका ताबड़तोड़ लग रहा है। ममता बनर्जी के बाद यूपी में सपा और कांग्रेस भी दरार पड़ गई, दोनों दलों की सीट शेयरिंग सहमत बन नहीं पा रही है। इससे साथ मिलकर चलने की उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें जो अपने भी सोमवार को प्रत्याशी घोषित किए थे और 17 उम्मीदवार उन्होंने कांग्रेस को बताए थे, आप लीजिए। लेकिन है क्या, जहां सपा का जहां आधार है वहां पर कांग्रेस को टिकट देना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस वहीं की टिकट मांग रही है, इसीलिए दोनों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुरादाबाद की दो सीटें ऐसी जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी लड़ाना चाह रही थी, वहां दोनों सीटों पर सपा ने अपनी जो है प्रत्याशी उतार दिए। तो इन लोगों से जो है बिजनौर और सीतापुर देवरिया अमरोहा सीट पर भी मामला फंसा पड़ा है और कांग्रेस चाहती वहां मैं चुनाव लड़ाऊं और सपा चाहती मैं अपना लड़ूं। तो इससे दरार पड़ रही है और लग नहीं रहा है कि गठबंधन ज्यादा दिन चल पाएगा और लग रहा है अकेले अकेले दोनों को लड़ना पड़ेगा कि फिर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और सपा अपने उतारेगी। जी बिल्कुल, वो कौन सी सीटें हैं टीएन जी आपसे समझना चाहेंगे दरअसल, जहां पर ये पेच फंस रहा है दरअसल, या कहें कि अब इन दोनों की जो दोस्ती की कोशिश हो रही थी या उम्मीद थी उसमें दरार आ गई है इन सीटों की वजह से। लगभग 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पेच फंसा हुआ था। नौर की है, दूसरी सीतापुर की है, तीसरी देवरिया की है और चौथी अमरोहा की है। ये 4 सीटों पर जो है पेच फंसा पड़ा है। सहारनपुर और झांसी से भी कांग्रेस लेना चाहती है 2 सीटें, जहां कांग्रेस मांग रही है। मुरादाबाद की 2 सीटें हैं, वहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहती है। तो ये ऐसी 7-8 सीटें हैं जहां लेकर के ये प्रत्याशियों का चयन सही नहीं हो पा रहा है और आपसी सामंजस्य नहीं बन पाने से दोनों दल वहां अपने अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। तो इन्हीं सीटों को लेकर के तकरार चल रही है और राहुल गांधी अभी तो खुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके कुछ हमारे जनता टीवी से कल बातचीत में भी कुछ नेताओं ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं और ऑन कैमरा उन्होंने कहा है बात कि हमें तो अकेले चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब छोटे नेता बयान भी देने लगे हैं, ये भी सामने आ रहा है। इससे लग रहा है कि गठबंधन चल नहीं पाएगा और जो है लंबे समय तक ये चुनाव गठबंधन चलेगा नहीं और अपने अपना चुनाव लड़के अकेले अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा दोनों पार्टियों को। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस की जो बयानबाजी आई उससे बैकफुट पर थोड़ी नजर जरूर आई टीएन जी, लेकिन एक बात बेहद महत्वपूर्ण की जब लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि जीत का सहरा कौन पहनेगा ये उत्तर प्रदेश तय करता है, ऐसे में जो बड़ी उम्मीदों के साथ ये विपक्षी गठबंधन INDIA बना था, क्या ये समझा जाना चाहिए कि जब मुख्य राज्य जो है वहीं हालात ये हैं तो आगे अब कोई उम्मीद करना बेकार है?
नहीं सही है, देखिए ना इंडिया गठबंधन बिहार में सफल है, ना इंडिया गठबंधन जो है पश्चिम बंगाल में सफल है, तो छोटी जगहों में भले कहीं सफल हो जाए वहां उम्मीद कम है। यूपी सबसे बड़ा राज्य 80 सीटों वाला राज्य, जहां भाजपा की तैयारी बहुत पहले से चल रही, वो 80-80 सीटें जीतने की बात कर रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर एकजुट नहीं होता है तो इसको शिकस्त कांग्रेस को मिलेगी और सपा को मिलेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनका बहुत ज्यादा जनाधार अब नहीं बचा है, कि भाजपा की जो हर जगह वोट बैंक बढ़ता जा रहा है और ये आपसी लड़ाई में जो है इनको जो है कमजोर होती जा रही पार्टियां। तो इससे साफ जाहिर है कि हाँ यूपी में जो है सबसे बड़ा राज्य जो है, यह उम्मीद यही थी कि इंडिया गठबंधन अखिलेश को इसीलिए जो है जिम्मेदारी दी गई थी, और लेकिन अखिलेश में सफल नहीं हुए, उन्हीं के खुद जो है बड़े बड़े नेता जो महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जो चले गए, इस्तीफा पार्टी से भी दे दिया, विधान परिषद सदस्यता इस्तीफा दे दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव उनको भी संभाल नहीं पा रहे, अपने लोगों को भी, तो दूसरी पार्टियों कैसे संभालेंगे। ठीक है, ये सीट शेयरिंग को लेकर इतनी बातचीत है और इतनी जो है बयानबाजियां चल रही है, टीएनजी आखिरी सवाल है लेकिन आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि एक तो अयोध्या, वो भी वही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, जो कि बीजेपी का एजेंडा रहा सदियों से, अब इसके बाद जो है कुछ उम्मीद इन दलों को करनी भी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जो इतनी खींचतान कर रहे हैं। हाँ, ये चीज है, देखिए इससे कोई सबक नहीं लिया इन लोगों ने, और लगातार जो है आपसी बयानबाजी में पहले तो लड़ते रहे और अब सीट शेयरिंग में बैठ कर बात नहीं की बड़े नेताओं ने, और जब बड़े नेताओं की बात नहीं तो छूट-मूट नेता जो है बात बयानबाजी करते रहे, इससे एक दूसरे गलत मैसेज भी गया, और अखिलेश यादव मनमाने तरीके से सीटें घोषणा करते जा रहे हैं, इससे कांग्रेस को लगातार जो है बैकफुट पे आ रही है, कांग्रेस नेता सीट बोल भी नहीं पा रहे हैं, और जो समझौता क्यों, कांग्रेस में यूपी में अकेली सीट है, जो सोनिया गांधी सीट थी रायबरेली वही उसके पास है, बाकी यूपी में उसका कोई सांसद है नहीं, तो कांग्रेस को सपा ये दबा रही है कि आपको तो एक ही चांस है तो आपको दिक्कत नहीं है, आपने लड़िए 12-17 सीट बहुत दे दी आपको, लेकिन कांग्रेस किस सीटें मांग रही है, तो जो डिफरेंस है 17-21 का, इसी को लेकर के सारा जो है दोनों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और इसी से दोनों जो है टकराव के रास्ते पे आ गए। तो पहले 11 सीटों का प्रस्ताव सपा ने दिया, फिर उसके बाद 17 पर बात बनी, अब 17 पर भी कांग्रेस मान नहीं रही, 21 की बात कर रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जी लखनऊ से, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और फिलहाल INDIE गठबंधन जो है खटाई में पड़ता उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, हालांकि बैकफुट पर है कांग्रेस, देखना होगा क्या इसमें कुछ ऐसा बयान या ऐसी कोई बात सामने आएगी, उसे अपडेट आपको जरूर कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि INDIE का साथ सपा ने छोड़ दिया है। इधर